7 अक्टूबर रविवार को दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र में थर्ड कराटे डू चैंपियन 2018 का आयोजन किया गया। यह आयोजन कशिश और सुरेंद्र द्वारा करवाया गया, जिनका उद्देश्य है नए बच्चों को आगे लेकर आना और बढ़ावा देना। इस प्रतियोगिता में 500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और पुरस्कार भी जीते। और जब हमारे ASG न्यूज़ के संवाददाता ने इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। ये जो हम लोगों ने थर्ड NCR कराटे चैंपियनशिप करवाई है, ये हम लोगों ने बच्चों के प्रोत्साहन के लिए करवाई है। इसके अंदर कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि कुछ जिससे कि बच्चों को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो। इससे क्या है, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और बच्चे जो हैं हमारे वो आगे चल के चैंपियंस बनते हैं। ये छोटी छोटी जो चैंपियनशिप्स होती हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद जो बड़े मैचेस होते हैं, गवर्नमेंट मैचेस जो होते हैं, उसमें बच्चे हिचकिचाते नहीं हैं। तो हमारा बस बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ये चैंपियनशिप है। जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, वो और आगे पार्टिसिपेट करें और अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस करें। मैं तो अच्छा लगा कि बहुत बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है। प्लस में जो हमारा अभी दिल्ली ओलंपिक होने वाला है, उसमें भी हमारे 7 बच्चे खेल रहे हैं जो यहाँ पे आके और अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है। सर, बच्चों के लिए क्या मैसेज जाएगा आपका देने की? बच्चों के लिए मेरे मैसेज जाएगा, बस इसी तरीके से खेलते रहें और अपना अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। तो मेरा नाम विजय कुमार है और मैं कराटे चैंपियनशिप में आने के लिए सुरेंद्र सिंह को और कशिश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा है, हम लोग कराटे में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। हम भी पहले प्लेयर थे, कभी खेला करते थे, आज खेल के हम भी कोच बन चुके हैं, इंस्ट्रक्टर हो चुके हैं, स्टाइल चीफ हो चुके हैं। जहाँ तक कोशिश होती है, भरसर कोशिश होती है हमसे कि इनके लिए कुछ अच्छा कर सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके, एक अच्छा लेवल दे सके। अभी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है हमारी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2020 में ओलंपिक में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर वहाँ से हमें एक मेडल भी आते हैं तो हमारे गेम को जानने वाले लाखों लोग ये जान जाएंगे कि कराटे किस लेवल पे और किस टाइम क्या चीज़ हमने पैदा करी है। मैं यही देखना चाहूँगा, थोड़ा मैनेजमेंट और अच्छा हो, बच्चों में मोटिवेशन और अच्छा हो, ताकि बच्चे आगे खेल सकें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अभी 2020 में कराटे ओलंपिक में आ रहा है, मैं चाहता हूँ इंडिया के लिए बच्चे खेलें और उसमें मेडल आए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। मेरा नाम प्रवीण चहल है। कराटे में गेम में बच्चों को ये मैटर नहीं करता कि बच्चा हार रहा है जीत रहा है। हाँ। बच्चा यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेता है, एक्सपीरियंस लेके वो बच्चा फिर आगे से आगे और अचीव करता जाता है। आज वो हार जाए, नेक्स्ट टाइम और अपने आप के अंदर सुधार करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। पहले ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर, फिर गोल्ड तक पहुँचेगा और धीरे धीरे वो एक बड़े लेवल का सपना देख सकता है और उसको अचीव कर सकता है। मैं सर सूरज कुमार सर, हमने जो छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कराटे को जानने के लिए, जो हमारे घर की बेटियां हैं, जो आजकल हमने सेल्फ डिफेंस के जरिए इनको हमने प्रोत्साहित करा है कि बाहर रोड पे जैसे भी रहते कैसे भी रहते, इसमें हम उनको पूरी पूरी सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्ट दे सके सर। इस प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट के रूप में आए डिस्ट्रिक्ट तिलक नगर के चेयरमैन अनिल कुमार जी से बात हुई तो देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशी हुई आपने मुझे ये कराटे चैंपियन में बुलाया। बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये प्रोग्राम, जो अपने फिटनेस का ध्यान रखते हैं और सेल्फ डिफेंस का इससे बड़ा ही फायदा होता है, खासकर हमारी बेटियों के लिए और हमारी लड़कियों के लिए। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जब हमारी बेटी और लड़कियों के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ रहा है, तो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखना बहुत ही ज़रूरी है और इससे माइंड और फिजिकल दोनों एक्टिव रहते हैं। एक्टिविटी अच्छी होती है, बच्चा आगे बढ़ता है, ओलंपिक में जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करता है। कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को निखारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।